गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस हेयर क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4। नाउ इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। इसमें हेडिंग है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। फिगर 12 शो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। दिस बीम इज यूज व्हेन वी वांट टू कंसंट्रेट light at a point. This type of beam is used by doctors to concentrate light on teeth, ears, eyes, etc. means है जो 12 figure है वो represent करता है converging beam of light को। means है कि यहाँ पर जो lights हैं वो एक point पर आकर क्या करती हैं, meet करती हैं। okay, यहाँ पर क्या होता है, जो lights हैं वो meet करती हैं one point पर। इसलिए इसका जो यूज़ करते हैं डॉक्टर्स लाइट को कंसंट्रेट करते हुए, ठीक है, यूज़ करते हैं टीथ को देखने के लिए और बाकी ईयर्स में और आईज को देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि यह कि इसके थ्रू क्या होता है, जो लाइट्स है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है एक ही पॉइंट पर, ठीक है। एक ही पॉइंट्स पे अगर मीट्स होने को क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोलर वाटर हीटर्स एंड अदर डिवाइसेस। इसका यूज़ करते हैं सोलर वाटर हीटर में और अदर डिवाइसेस में इसका यूज़ करते हैं। फिगर 13 शोज ए डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। फिगर 13 शो करता है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट को। दिस बीम इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू स्प्रेड लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। फिगर 13 शो करता है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट को। इसका यूज़ किया जाता है व्हेन वी वांट टू स्प्रेड लाइट, जहाँ से क्या करते हैं लाइट को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स से लाइट को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ होता है। और मींस है दिस टाइप ऑफ बीम इज यूज इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स में इसका यूज करते हैं, जो गलियों में जो लाइट होती है उसी को क्या करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स में इसका यूज करते हैं, ठीक है। बोथ द बीम्स हैव प्रैक्टिकली यूटिलिटी एंड देयर फॉर वी नीड डिवाइस टू प्रोड्यूस कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बीम्स, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें आवश्यकता होती है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बीम्स की। बट ए प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जो प्लेन मिरर होते हैं, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्टर होते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। सेकेंडरी, अ प्लेन मिरर प्रोड्यूस एन इमेज विच इज सेम साइज। जो प्लेन मिरर होते हैं वो सेम साइज प्रोड्यूस करते हैं ऑब्जेक्ट का। बट देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन वेयर वी नीड इमेज एज बिगर और स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट से बिगर आ रहा है इमेज या उससे स्मॉलर आ रही है, ठीक है, उसके लिए हम स्टडी करते हैं वी नीड स्फेरिकल एंड पैराबोलिक मिरर्स फॉर दिस पर्पज, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैराबोलिक मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स। सो वी डिस्कस स्फेरिकल मिरर। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है, वह मिरर होता है जो एक पार्ट होता है होलो स्फीयर का, ठीक है। स्फेरिकल मिरर वह मिरर होते हैं जो पार्ट होते हैं एक होलो स्फीयर के ऑफ ग्लास, ठीक है, एक ग्लास के होलो स्फीयर के एक पार्ट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, स्फेरिकल मिरर। ओके, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हेयर हेयर फिगर, ठीक है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक पार्ट है होलो स्फीयर का, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इनर वाला क्या है इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड आउटर सिल्वर्ड करा गया है इसको। ओके, हेयर इनर पार्ट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड आउटर पार्ट्स सिल्वर्ड है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं कॉन केव, ठीक है, इस टाइप से केव बन रही है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे कॉन केव। एंड अदर, इसमें क्या होता है, ये इसका अपोजिट होता है, इसमें क्या होता है इनर सरफेस जो होता है वो सिल्वर्ड होता है और आउटर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। ओके, इसी को क्या बोलते हैं कॉनवेक्स। ओके, स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स,
स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्टली कॉनकेव मिरर एंड अदर कॉनवेक्स मिरर। अ स्फेरिकल मिरर विच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर जो कॉनकेव बोलते हैं उन मिरर्स को बोलते हैं जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, सेंटर की ओर, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो सेंटर की ओर होता है, कर्व होता है, ठीक है, सेंटर की ओर कर्व होता है। एंड बीच मिरर इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, बीच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। तो इस मिरर को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट कॉनवेक्स मिरर, अ स्फेरिकल मिरर विच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर और बीच मिरर इस पार्ट इज कॉल्ड कॉनवेक्स मिरर, ठीक है, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटर पार्ट्स होता है, ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटर पार्ट्स होता है। और बोल सकते हैं कि जैसे जो उसका आउटर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर से फार होता है ना, दूर होता है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉनवेक्स मिरर। एंड अदर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। नंबर फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर सरफेस इज अ पार्ट, मीन्स है स्फेरिकल सरफेस एक होलो स्फीयर का पार्ट होता है, उसी के सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर, ओके। जैसे जो अपर फिगर था उस फिगर्स में जैसे एक स्फीयर का पार्ट्स है, इसी के सेंटर को क्या बोलते हैं, हम सेंटर ऑफ स्फीयर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी। एंड अदर पोल, पोल को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल, जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, उसी के सेंटर को, स्फेरिकल मिरर है उसी के सेंटर को क्या बोलते हैं, पी। और जो स्फेरिकल मिरर था वो एक होलो स्फेयर का पार्ट था, उसके सेंटर को बोलते थे हम सी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स को, उसके सेंटर्स को बोलते हैं पी, पोल। एंड अदर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय आर, द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच द मिरर सरफेस इज द पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीन्स है कि जो स्फेरिकल मिरर है वो एक पार्ट है होलोस्फेयर का, ओके, किसका पार्ट से, होलोस्फेयर का, उस होलोस्फेयर की रेडियस को ही क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, एक लाइन जॉइनिंग करती है जो कि पोल और सेंटर को मीट करती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ओके। एंड नेक्स्ट है अपर्चर, द अपर्चर इज द एरिया ऑफ मिरर विच इज अवेलेबल फॉर द रिफ्लेक्टिंग लाइट, वह एरिया जहाँ से क्या होती है, रे रिफ्लेक्ट होती है, उसी को क्या बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है। जैसे यहाँ पर गिवन है एम एम डैश, एम एम डैश इज द अपर्चर, ओके, ठीक है, वंस अगेन इसको रिकॉल कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक होलो स्फीयर होता है, होलो स्फीयर के जो होलो स्फीयर है उसी के सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। एंड स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को बोलते हैं पोल, उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर होलो स्फीयर, ठीक है, होलो स्फीयर की रेडियस को ही क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड द लाइन जॉइनिंग बिटवीन पोल्स एंड सेंटर इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सिस। एंड अपर्चर, द अपर्चर इज द एरिया ऑफ मिरर विच इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, वह एरिया होता है जो रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है, उसी को क्या बोलते हैं, अपर्चर। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट है एम एम डैश, ठीक है, यहाँ से क्या होती हैं, जो रेज हैं वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, ओके, इसी को क्या बोलते हैं, अपर्चर। थैंक यू।